आर्थिक व सामरिक दृष्टिकोण से आज अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के प्रेसिडेंट होने का मतलब है कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आप वह व्यक्ति हैं जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की शक्ति रखता है। अमेरिका की आर्थिक व सामरिक शक्ति का अंदाज़ा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में अगर छोटी सी भी हलचल होती है तो उसका प्रभाव दुनिया भर के मार्केट्स पर आता है। अमेरिका जैसे देश के प्रेसिडेंट बनने का मतलब है कि आपके जन्म कुंडली में निश्चित तौर पर इतने बड़े राजयोग होने चाहिए जो कि आपको नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ दिलाने में सक्षम हो। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के होरोस्कोप की स्टडी करने वाले हैं। स्टडी करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग हैं जिन्होंने कि उनको दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाया। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उनके पास पैसे की, पावर की, नेम फेम की कोई कमी नहीं है। तो बात करेंगे किन योगों ने उनको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाया। आप यह जो सींग लगन की जन्म कुंडली देख रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की जन्म कुंडली है। और जब भी इतनी पावरफुल जन्म कुंडली की बात की जाती है, इतने पावरफुल व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, तो सबसे पहले लग्न अवश्य देखना चाहिए। लग्न की इम्पोर्टेंस ऐसे में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का लग्न कुछ प्रॉमिस नहीं करेगा तब तक व्यक्ति को अपने जीवन में वो सुख मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। अगर किसी व्यक्ति का लग्न किसी चीज़ का डिनायल दिखाता है तो व्यक्ति की जन्म कुंडली में उस योग से संबंधित कितने भी अच्छे योग बन जाए तो व्यक्ति उस योग के प्रभाव भोग ही नहीं सकता, क्योंकि लग्न अर्थात आपका शरीर अर्थात आप ही हैं जो कि कुछ भोग सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लग्न ही सूर्य अर्थात राज शक्ति अर्थात नेम फेम अर्थात पावर अर्थात अथॉरिटी के द्वारा शासित होता है। तो लग्न में सूर्य की राशि का बैठना अपने आप में पहली चीज़ ये दिखाता है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में पावर और अथॉरिटी अपनी डेस्टिनी में लेकर पैदा हुआ है। आप सींग लगन वाले लोग देखिएगा, सींग लगन वाले लोग आपको पॉलिटिकल माइंड मिलेंगे, सींग लगन वाले लोग आपको इस तरह के मिलेंगे कि वो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए आपको गवर्नमेंट जॉब में, पॉलिटिक्स में या फिर समाज में किसी भी तरह से सक्सेसफुल लोगों की कुंडली में आपको सींग राशि लगन में मिल जाएगी अथवा सूर्य लगन में मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य के बिना प्रभाव के कोई व्यक्ति इस लेवल पर सक्सेस पा ही नहीं सकता। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लग्न में मंगल बैठे हैं और मंगल इस जन्म कुंडली में नवमेश है और चतुर्थेश है। नवम भाव ब्लेसिंग्स का होता है, अर्थात लग्न ही डिवाइन ब्लेसिंग्स लेकर बैठा है और मंगल जो कारक हैं शक्ति के कारक हैं, मंगल जो कारक हैं पावर के कारक है, अर्थात यह व्यक्ति अपनी डेस्टिनी में पावर लेकर पैदा हुआ है। अगर यह व्यक्ति डेस्टिनी में इतनी पावर लेकर पैदा नहीं होता तो सीधी सी बात है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने का ख्याल भी मन में नहीं आता। व्यक्ति के मन में ख्याल भी वही आते हैं जो कि उसकी डेस्टिनी ने उसके लिए डिज़ाइन किया है, जो कि उसकी डेस्टिनी में होना लिखा है। अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो अन्य ग्रहों की पावर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर पहले हमने लगन से देखा कि इस व्यक्ति के अंदर हाँ कहीं ना कहीं क्वालिटी है कि एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर लग्नेश दसम भाव में बैठे हैं। दसम भाव राजशक्तियों का भाव है, पॉलिटिक्स का भाव है, गवर्नमेंट का भाव है। लग्नेश में मंगल बैठ गए जो एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है, लग्नेश में सूर्य की राशि बैठ गई और लग्नेश स्वयं से दशम भाव में बैठ गए जो कि राजशक्तियों का भाव है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन भी पॉलिटिक्स से होगा और इस व्यक्ति की विचारधारा भी पॉलिटिक्स से होगी, पावर से होगी। इस व्यक्ति की लाइफ का केवल और केवल एक ही मंत्र है कि मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना ही बनना है, कैसे भी करके बनना है। और ये चीज़ आप डोनाल्ड ट्रंप के स्वभाव में अक्सर देखेंगे, उनकी भाषा में देखेंगे, उनके करैक्टर में देखेंगे कि वो शक्ति के एक तरह से उपासक हैं, यानी कि शक्ति के भूखे हैं, प्यासे हैं। वो किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं क्योंकि अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, अच्छा खासा पैसा है, उनको ज़रूरत नहीं थी पॉलिटिक्स में आने की। किंतु ये जो पावर की भूख होती है ना, ये व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं होने देती है। ये बिजनेस में किसी भी हाइट पर पहुँच जाए
कितना भी इनके पास पैसा हो जाए, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी क्यों ना बन जाए, किंतु फिर भी ये बिना पावर के सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका लग्न लग्नेश और दशम भाव पावर अथॉरिटी को दिखाता है। अब ठीक है, ये तो इनकी एक नेचर हो गई, बिहेवियर हो गया, करैक्टर हो गया, और लग्न ये चीज़ प्रॉमिस कर भी रहा है, किंतु जन्म कुंडली के अन्य ग्रह भी है, प्रॉमिस करेंगे तभी व्यक्ति इस लेवल पर पहुंच पाएगा, क्योंकि लगन और दशम भाव को देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति सक्सेसफुल होगा, लेकिन इस लेवल पर सक्सेसफुल होगा, इस लेवल पर सक्सेसफुल होने के लिए निश्चित तौर पर उस लेवल के योग होने चाहिए, तब आप देखेंगे। ये इस जन्म कुंडली में मंगल, शुक्र, सूर्य और चंद्र का परिवर्तन है। किस तरह से आप देखेंगे, मंगल सूर्य की राशि में बैठा है, सूर्य शुक्र की राशि में बैठा है, चंद्र मंगल की राशि में बैठा है और शुक्र चंद्र की राशि में बैठा है। यहाँ पर चार चार ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। ये परिवर्तन कहाँ से हो रहा है? एक भाव, चार भाव, दस भाव और बारह भाव से। तो ऐसे में एक, चार, दस, बारह अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। और जो यहाँ पर कुल योग बनता है, सूर्य अर्थात राजशक्ति, चंद्र अर्थात प्रजा, मंगल अर्थात शक्ति और शुक्र अर्थात धन, तो यहाँ पर ये सब कुछ इनको डेस्टाइंड हो जाता है। इस परिवर्तन ने इस कुंडली को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया कि यह व्यक्ति इस लेवल पर जा सकता है। आप इस पावर के लिए पैसा भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली के व्यय भाव में शनि और शुक्र बैठे हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर शनि 0 डिग्री का है और शुक्र 2 डिग्री का, अर्थात दोनों के दोनों एक ही नवांश में बैठे हैं, कर्क के नवांश में बैठे हैं। जब दो ग्रह, दो मित्र ग्रह इतने क्लोज कंजंक्शन में आते हैं, एक ही नवांश में बैठते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। शनि कर्म है, शुक्र धन है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपसे कहा है कि जब भी किसी जन्म कुंडली में शनि और शुक्र संबंध बनाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। अब यहाँ पर तो ये एक ही नवांश में बैठ जाते हैं, बहुत क्लोज कंजंक्शन में बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा भी देते हैं। और क्योंकि यह योग व्यय भाव में बनता है, तो पैसे को खर्च करने की शक्ति भी देता है। यह व्यक्ति किसी भी स्थिति तक जाकर, किसी भी लेवल पर अपने पैसे को खर्च करके पावर और अथॉरिटी प्राप्त करेगा ही करेगा, इस तरह का इसका माइंडसेट है। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, एक तरह के लोग होते हैं केवल कमाना जानते हैं, कमाएंगे खर्च करने नहीं जानेंगे, और जहाँ पर उनको दिखेगा कि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो वहाँ पर रुक जाएंगे। किंतु इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में जिस तरह के योग हैं, ये व्यक्ति आखिरी पाई तक खर्च कर देगा पावर ऑफ अथॉरिटी के लिए। और उस वजह से जिस तरह के योग यहाँ पर हैं, यह भी दिखाता है कि इस कुंडली में एक समय में बड़े फाइनेंशियल लॉस के भी योग बनते हैं। अब वो उनके कब रहे होंगे या कब आएंगे, वो तो मुझे उनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। उनके जीवन में कब कब किस तरह के लॉसेज हैं वो वे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि शुक्र व्यय भाव में है, चंद्र का त्रिकोण से प्रभाव है, केतु का त्रिकोण से प्रभाव है, तो ये योग फाइनेंशियल लॉस के भी होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे गुरु जो कि अष्टमेश हैं, वो द्वितीय भाव में बैठे हैं और वक्री होकर लगन पर ही प्रभाव दे रहे हैं, अर्थात यह व्यक्ति रिस्क लेना भी जानता है। यह व्यक्ति लड़ना भी जानता है, क्योंकि अष्टम भाव एक मेंटलिटी देता है कि आपको इमोरल एक्टिविटीज़ की, रिस्क लेने की। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ गुरु पंचम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, 2, 5, 8 का योग बन गया, और क्योंकि गुरु वक्री हैं तो 1 का योग बन गया। तो ये जो योग है ये इमोरलिटी का योग है। ये व्यक्ति साम डाम दंड भेद की विचारधारा के साथ पावर और अथॉरिटी को प्राप्त करना चाहता है, और यह चीज़ इनके सिग्नेचर से भी दिखती है। क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए हमें सिग्नेचर का एनालिसिस करना होता है, व्यक्ति के फेस का एनालिसिस करना होता है। अगर आप फेस से देखें तो वहाँ पर दिखता है उनके फेस का जो ऑरा है, वो दिखता है सिंह लगन वाला, क्योंकि सिंह लगन वाला व्यक्ति शेर के समान दिखेगा। आप उनका अगर देखेंगे तो उनका फेस है वो स्क्वायर टाइप का है। आप अंदर शेर को देखिएगा। लगन को आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि लगन का जो सिंबल है, आप उसकी करेक्टरिस्टिक, उसकी बनावट देखिएगा और व्यक्ति के चेहरे को देख लीजिएगा। तो आप अगर शेर का जो स्क्वायर फेस होता है वो देखेंगे और डोनाल्ड ट्रंप का देखेंगे, तो आपको वो सिमिलर सा मिलेगा। अब लगन में यहाँ पर मंगल है, उसको दिखाता है उनका ये सिग्नेचर। आप ये देखिएगा सिग्नेचर किस तरह से है। मंगल की जो शेप है वो ट्राइन शेप है, इस तरह की शेप मंगल की है, और मंगल जो जल्दबाजी को दिखाता है। तो आप इस पूरे सिग्नेचर को देखिएगा, यहाँ पर केवल ट्राइन ही ट्राइन बनेगा इस तरह की। अर्थात लगन पर जो मंगल का प्रभाव है, जो
पावर और अथॉरिटी पाने की इच्छा है, वो इनका सिग्नेचर भी दिखाता है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं और उस जल्दबाजी में ये, क्योंकि 5, 8, 2 और 1 का संबंध बन रहा है, ये किसी इमोरल एक्टिविटी में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यह दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में उस तरह के योग लेकर पैदा हुए हैं कि वो पावर और अथॉरिटी के लिए जीते हैं और उसके लिए अपना धन दौलत सब कुछ लगाने के लिए समर्पित है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।